अभी सूरी का टेस्ट पेपर मेरे सामने है बेटा, एक तो ना डेट लिखा करो, आए समझ में, लास्ट वीक हुआ था ना, डेट लिखा करो। अब वो चाय पी, पता है इतना अच्छा पेपर करा है इसने, लेकिन सिली मिस्टेक्स करी हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं। पहले पेज पे तो सारे क्वेश्चन ठीक है, जैसे ये वाला इसने बिल्कुल ठीक लिखा है कि मैरी हैड मोर मनी देन पीटर, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन था ये, सब कुछ ठीक ठाक था, इसने ये भी लिख दिया कि मैरी हैड मोर मनी, लेकिन टीचर ने पूछा था पूरा एक्सप्लेन करो, तो इसको लिखना चाहिए था कि पीटर के पास इतने पैसे हैं और मैरी के पास इतने पैसे हैं यहाँ पे, और फिर लिखना चाहिए था मैरी हैड मोर मनी, और इसको पता था। तो हाउ डू यू ऐड इन स्कूल, लाइक डू यू हैव स्पेयर पेपर? लिख भी दिया लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, तो इस देश को इसमें से दो में से एक नंबर टीचर सेड यू शुड हैव रोट दिस पीटर हैड 100 पाउंड्स एंड मैरी हैड या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड 31 या आई एम आल्सो सेइंग द सेम बेटा मैरी हैड मोर. But it wasn't because I didn't write it here. Yeah, I know that. That the teacher, but you had a spare paper that you have done the addition, and then you came to know that Peter had 100 and Mary had 131. Yeah, I got it right. She said, but you have to explain it. That's why you got half marks. One mark. One mark. Yeah. Half you were, no? Hey, Bhagwan. मतलब बिल्कुल मेरे ऐसे मैं भी स्कूल टाइम पे ऐसी होती थी. अब जैसे ये वाला. This was really difficult. क्या डिफिकल्ट है? आपके 28 पाउंड्स हैं और I can still say it wrong. Look. I can still say it right. 6 - 8 is right now. Wait. Wait, I can do this. 20. I'm 6. 28 - 26.50. 250 होता है अभी. Wrong. Wrong ना? कितना होता है? कितना होता है? £1.50. सब आता है ऐसे, बस सिली मिस्टेक्स करके आया है। ये इतने मुश्किल थे, ये इसने बिल्कुल ठीक करे हैं। I'm so happy to see that. This one was actually very hard. I'm surprised I got it right. मैं वही तो कह रही हूँ, मुश्किल सारे सही। अब ये इतना आसान था, ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इतना आसान है, इतनी बार इसने घर में प्रैक्टिस करी है, और ये वाला तो ओह माय गॉड। तो हमने क्या करा है, मैंने इसके जो मेन क्वेश्चन जो इसके गलत हुए हैं वो मैंने इसको दोबारा करने को दिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमने करा है, लेकिन ये अभी भी कंफ्यूज था, पर इसने फिर सही आंसर कर दिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने दोबारा प्रैक्टिस करी है, ये सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करी है, तो इसमें इसने सही आंसर दिया 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ 100, सॉरी मैं खुद भूल गई। तो मैंने अब इसको ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन दिया है, तो ये वाला ये करेगा। चलो शुरू हो जाओ। ये 13 है, ये 3 है, 7 है, ये 6 है। आपको मुझे ए और बी की वो बतानी है लेंथ। हेलो चलो तो इस प्यो नू ना इतो दी हटाओ। आई समझ, हुण क्वेश्चन करो अपना बह के। अबीर, I must say कि आपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना विदिन 1 मिनट करा है। आपको स्कूल में क्या हो जाता है अबीर? आपको पता है आप easily आपके I was the first one to hand it in। बेटा हे भगवान पता हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था, कई बच्चों को ना इसी में खुशी होती थी कि उन्होंने सबसे पहले पेपर दे दिया बेटा, लेकिन आपने सिली मिस्टेक करी है सबसे पहले पेपर दे के। अब आप हाउ कम यू आर डूइंग फर्स्ट इज द बेस्ट, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। बट अभी शुड चेक योर पेपर ना, फर्स्ट इज द बेस्ट मतलब तो क्यों करी ये सिली मिस्टेक्स फिर? व्हाई डिड यू गेट 19.5 आउट ऑफ 30? आई डोंट नो, डू यू अग्री विद मी, यू कुड हैव इजीली गॉट 30 आउट ऑफ 30। चलो 30 आउट ऑफ 30 नहीं, 25 आउट ऑफ 30। 25? This is also correct. See, tell me, आपका ये 9 कैसे आया? Tell me, आपने 9 कैसे calculate करा है? 20. So 6 is here, and but there's nothing on top of it to go on.
But if we're looking at this, 3 is there. So this must be 3 here. Yeah. And so I added them up and it got 9. Okay, 9. Aur 6 kaise aaya B ka? Got 6 as B ye tha na, haan. 6 kaise aaya iska? Okay, so I did 7 here. Huh? And I thought this was 4. But then I remembered this was 13 up here. Huh. So I added 2 more. And I got 6. Nahi, 4 yahan pe kaise aa gaya? Because this is really, because this is 7. And this looks like... If this is 7, this must be 4. Abhi, 13 minus 7 is 6. So 6 tumne aise calculate kara hai. No, it isn't. Pata nahi tumne kaise calculate kara hai, main isse agree nahi karta. Because 7 plus 6 will be 13. So 13 minus 7 is 6. To wahan 6 hona chahiye B. Haan, ye wala galat kara tha na, 15 cm laga tha. 29 honge. This one harder. 13 plus... Basically, perimeter ke andar, aap ye saare add karoge. सारे साइड्स की लेंथ ऐड करोगे, पूरे शेप, जितनी ये शेप है ना, वो शेप में जितनी लेंथ सारी हैं, आप वो सारी ऐड करोगे, देन ओनली यू विल गेट द राइट आंसर. व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द शेप? तो ये शेप है और ये इसके पैरीमीटर्स हैं और आपको ऐड करने हैं वो सारे. अभी हमने जो प्रैक्टिस आज करी है ना, वो हम कल भी करेंगे, ठीक है? और कल हमें अनबॉक्सिंग वीडियो भी करनी है आपके सारे प्रेजेंट्स की. पहले हम वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद हम ये सारी मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे. क्या है अभी राइट आंसर? 44 cm. पहले अभी ने 29 बोला, फिर 34 बोला और अब 44. अब करा है ना अपने सही मेथड से? दिस मेथड. हाँ, जो भी है आंसर करेक्ट आया ना. आपको मेरा मेथड अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो सही आना चाहिए ना. अब हम कल दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे इन सब क्वेश्चंस की. तो आज साइमन आया मेरे लिए स्वीप करने के. तो आज साइमन स्वीप कर रहा है हमारे लिए गार्डन, बिकॉज सौरभ यहाँ पर है नहीं, हम देख सकते हो. प्रॉब्लम यह है कि मैंने ब्लीच डाल दिया था, तो ब्लीच से बस ये फायदा हुआ है कि सारे मर गए हैं. तो ये बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये मर जाते हैं बाहर निकलते ही ना. और वो जो ट्रीटमेंट करा है उससे इनको घास खाने को नहीं मिल रही है. मे बी घास में से कोई स्मेल आ रही होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा घास के अंदर कि अब वो दे कांट ईट द ग्रास, सो दे आर नॉट गेटिंग देयर फूड, सो इवेंचुअली दे आर डाइंग. प्लस ब्लीच इफेक्ट. तो नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं. तो जैसे हम इनको स्वीप करते हैं, ये हिलना शुरू हो जाते हैं. लेकिन नहीं, बहुत सारे मर चुके हैं. तो मैंने अब सारे गैप्स के अंदर ब्लीच डाली है, और ब्लीच डालने से ये देखो क्या हुआ है, पता, पेबल्स के अंदर भी ये लोग चले गए हैं. हमारे गार्डन में ना बस इतनी जगह पे ही पेबल्स हैं, इसके अंदर देखना हज़ारों हैं, हज़ारों. मैंने पेबल्स के अंदर ना 2-3 बॉटल्स ब्लीच की डाल दी हैं, उससे क्या हुआ है, वो सारे के सारे ना ऊपर आ गए हैं जो पेबल्स के अंदर भी थे, और सब बाहर निकल आए हैं. सब तो नहीं, मतलब कि जितने बाहर आए हैं अभी तक, ये देख रहे हो आप, ये घास के अंदर ऐसे जाते हैं. ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अगली चीज़ है यार. आई नो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई और सफ़र करे. ये देख रहे हो आप, ये ऐसे सॉइल के अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं. यक है यार, ये यक है, यक. सीरियसली, मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग आई एवर विटनेस्ड. और होना भी हमारे साथ ही था. ये देखना, वो वाले तो मर भी गए हैं. अभी सौरभ आएगा ना, अच्छी तरह से गार्डन दोबारा साफ करेंगे और इनका खात्मा कर देंगे इन सबका. सीरियसली गाइस, सीरियसली. तो हाँ जी, अभी अभी जो आपने शॉट देखा वो हमारे लॉन का था. तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरे कुछ पिछले व्लॉग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लॉन के अंदर हो रखी है लेदर जैकेट्स की प्रॉब्लम, उनको ग्रब्स भी बोलते हैं. वो प्रॉब्लम कैसे हुई,
लेदर जैकेट्स कैसे आ जाते हैं घास के अंदर, उसके बाद क्या क्या होता है, ये सब कुछ मैंने अपने कुछ पिछले ब्लॉग्स के अंदर एक्सप्लेन करा है और मैंने उन ब्लॉग्स के थंबनेल भी इस वीडियो की एंड में पिन कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर वो ब्लॉग्स देख सकते हो तो आपको पूरी समस्या के बारे में पता लग जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ लिख रहे हैं कि ये नए घरों में प्रॉब्लम होती है। ये नए घरों में प्रॉब्लम नहीं होती है, ये नई घास पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमारी जो टर्फ थी वो आज से कुछ 1.5 साल पहले नई टर्फ लगी थी और इन ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, इसको फैलने में भी 1 साल लग जाता है। तो बाय द टाइम ये अब स्प्रेड आउट हुई है तो हमें पता लगा है अरे ये प्रॉब्लम हो गई है। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमें लॉन का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम सिर्फ क्या करते थे, बस अपनी वीट किलर ले आते थे, वीट्स को निकालते रहते थे, मेक श्योर करते थे कि घास कटी रहे। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे पिछले साल के समर टाइम के, तो मुझे तो इतने मैसेजेस आते थे कि यार आपका गार्डन बहुत प्यारा लगता है, आप इतना अच्छा मेंटेन कैसे रखते हो। तो सब कुछ हम करते थे, बट लेदर जैकेट्स की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है, आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको एक बार पता लग जाए, लेकिन हमें इस बारे में पता ही नहीं था तो हम कंट्रोल कैसे करते। हाउएवर अब हमने लॉन सर्विसेज वालों के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। इसके बारे में भी मुझे अभी पता लगा कि ऐसे लॉन सर्विसेज भी होती हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। आज से पहले हमने कभी भी यू नो रियल ग्रास के साथ डील नहीं करा था। हमारे घरों के अंदर आर्टिफिशियल ग्रास होती थी, तो हमारे पहले वाले घर में भी आर्टिफिशियल ग्रास थी, फिर हमने अपना एक दूसरा घर खरीदा जो कि रेंट पे है, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल ग्रास है, तो हमारे सब घरों के अंदर ना आर्टिफिशियल ग्रास है। तो हमने कभी भी रियल ग्रास के साथ काम नहीं करा है, तो हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हाउएवर अब ये प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लगे हुए हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। बाकी आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अबीर के आजकल असेसमेंट्स चल रही हैं क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज आने वाली हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दे, तो बस उसी चीजों में लगे हुए हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में अबीर अपने सारे प्रेजेंट्स की अनबॉक्सिंग करेगा, अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करेगा एंड ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड। तो कल मिलते हैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।